नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना सिटी से है। पटना सिटी के चौक थाना परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता, समाज सेवी रामजी योगेश समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जहां इस कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी अंजू सिंह ने की। वहीं इस कार्यक्रम के तहत कर्मयोगी महिला पुलिस कर्मियों को भगवत गीता देकर सम्मानित किया गया, जहां थाना अध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता ने बताया कि अभी के दौर में सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। ऐसी महिलाओं को भरपूर सहयोग करना चाहिए, ताकि अन्य महिलाओं को भी समाज में बढ़ चढ़ कर अपनी जिम्मेदारी निभा सके। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने और श्वेता जी ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया है कि चौक थाने की महिलाओं को जागृत किया जाए। और भागवत इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें कर्मयोगी बनाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का, इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से भी एक हमारा ये उद्देश्य भी था। और हमारा जो सबसे अहम पार्ट है, हमारा मेरा अहम पार्ट है घरेलू हिंसा। तो हम इन महिलाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा पर काबू पा सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसी उद्देश्य से इस संगोष्ठी का आयोजन किया। सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ऐसे तो चौक महिला दिवस के अवसर पर ही कहना चाहेंगे कि हमारी जो महिला है वो काफ़ी सशक्त बने और शिक्षित बने, सशक्त बने और हमेशा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। आप अपना परिचय दीजिए। मैं श्वेता कुमारी, महिला काउंसलर चौक थाना। सर्वप्रथम पटना सिटी के चौक थाना के प्रांगण में महिला दिवस को लेकर एक बैठक की गई। बैठक की मूलाधार था कि महिला अपनी स्वाभिमान की रक्षा कैसे करें। भ्रूण हत्या पे चर्चा रखी गई और घरेलू हिंसाएं होती है महिलाओं के साथ, उस पर चर्चा की गई। मैं तमाम महिला नारी शक्ति को संबोधित करती हूँ और उन्हें ये कहती हूँ कि जब आप शिक्षित हो जाएंगी, शिक्षा से जुड़ेंगी, तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, अपने कर्तव्यों के प्रांगण के लिए वो आगे नहीं आएंगी, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। आप अपना परिचय। मेरा नाम समाज सेवी अंजू सिंह हुआ और चौक थाना पीस कमेटी के मेंबर होने के नाते मैं आज देश के विभिन्न महिलाओं और बेटियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। जय हिंद। मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चौक थाना परिसर में चौक थाना की जो महिला कोषांग है उनकी प्रभारी श्वेता जी की अध्यक्षता में और थाना अध्यक्ष श्री गौरी शंकर गुप्ता जी की मुख्य अतिथित्व में एक महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला संगोष्ठी का विषय था घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में महिलाओं के विचार लिए गए और समाज के हर प्रत्येक वर्ग की महिलाएं इस संगोष्ठी में शामिल हुई। संचालन अंजू सिंह जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मैंने अपने मिशन श्रीमद् भागवत गीता स्थापन के तहत इन कर्मयोगी महिलाओं को जो समाज में कर्म करती है, जिसका उपदेश गीता में सन्निहित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन, यानी मुझे जन्म ही हुआ है, एक मनुष्य का जन्म ही हुआ है केवल और केवल कर्म करने के लिए। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि जो इंसान कर्म करता है वह निश्चित तौर पर श्रेष्ठ मनुष्य होता है। ज्ञान योग में और कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि कर्म योग ही संसार का श्रेष्ठ योग है। इन भावों को प्रदर्शित करते हुए मैंने कर्म योगिनी महिलाओं को, जो कर्म के बल पर बलबूते इस समाज में स्थान बनाई है और अपने कर्म के बल पर और आगे तक जाएंगी, यह संदेश उन्हें पतित पावन गीता से मिले, इसी उद्देश्य से मैंने गीता जो है वितरण किया है। आप अपना परिचय। राम जी योगेश, अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष।